अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों, शायद इसलिए नहीं कहा कि इस वक्त मैं बहुत हसास हुई हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे काफ़ी तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है। और जब बीमार होता है इंसान तो वो चाहता है कि उसके पास कोई ज़िम्मेदार आए, भूखे ज़्यादा ना बैठे, मगर कुछ उससे अच्छी बात कहे, उसकी गमगुसारी करे, दुआ दे और दुआ ले। तो यही कुछ मामला मेरे साथ है। कहा जाता है कि जो बीमार की जिम्मेदारी करने जाता है उस पर बहुत इनाम और इकराम होते हैं, और उससे कहा गया है कि तुम उससे दुआएं लो, यानी बीमार का रुतबा बढ़ा दिया जाता है इस तरह कहकर। और क्योंकि बीमार के पास जब आके कोई ताज़ियत करता है उसको तकवियत मिलती है, इसलिए इसकी तलकीन की गई है। सो मैंने अपनी बीमारी का बताया तो मेरे पास जो भी जितने भी लोग आए उनका तहे दिल से मशकूर हूँ, उनके लिए दुआ गो हूँ। चाहे उन्होंने मेरी वीडियो के नीचे में मुझ पर मेरे लिए दुआएं की हों, मुझे मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें की हों, या कि मेरी कम्युनिटी पर, तहे दिल से मशकूर हूँ। लेकिन बहरहाल मैं इतनी तवील बीमारी की अभी तक नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी बीमारी ही ना हुई हो, बीमारियां आई हैं और बड़ी और छोटी हर तरह की, लेकिन इस तरीक़े से जैसे मैं अब बार बार बीमार रहने लगी हूँ इस तरह नहीं हुआ है। एक बीमारी के बाद, एक तवील वक्फे के बाद मैं बीमार हुई हूँ, तो इस वक्त शायद मैं ज़्यादा ऐसा फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी लेडी हूँ जो कि बैठ नहीं सकती, लेट नहीं सकती, वो जो हर वक्त काम करना चाहती है, चलना फिरना उसका मशगला है, वो बैठ ही नहीं सकती है। तो वो किस तरह जो बैठ गई है तो वो क्या फील कर रही है, ये वो ही समझ सकता है जो इस तकलीफ़ से गुजर रहा होगा। तो बात ये कि जब मैं कम्युनिटी के लिए आई और मैंने कम्युनिटी लगाई आप सबसे दुआ के लिए, तो नज़र से गुजर गई साजिद साहब की कम्युनिटी, और साजिद साहब की कम्युनिटी में यही था कि मेरी बीवी जो है और हम जो हैं वो कभी सुलह नहीं करेंगे सदमा से, और ये कि हमारे वीव्स कम हो जाते हैं और सुलह तो हो ही नहीं सकती, वगैरह वगैरह। तो साजिद साहब का तो ये रिकॉर्ड है कि जब उन्होंने कमेटी नहीं लगाना थी तो लगाई है, और जब लगाना थी तो नहीं लगाई है। हाँ, अलबत्ता इस पर सितारा की खामोशी अजीब सी लगती है, इस पर किसी और वक्त बात करूंगी। तो बात यह है कि उनका तो ये रिकॉर्ड है और वो चले आते हैं अपना दिमाग लड़ाने, और दिमाग ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बुद्धू टाइप के इंसान है, दिमाग इनकी बरादरी के मर्दों का बहुत चलता है, और दिमाग ही कहना चाहिए चलता है, हाथ पांव इतने ज़्यादा नहीं चलते हैं। अब चलाना तो पड़ता है ज़िंदगी गाड़ी को, लेकिन जैसा कि एक मर्द होता है वो नहीं है, और जब मर्द आधी औरत बन जाए तो फिर वो इसी तरह की हरकतें करता है, जो इन्होंने आधी औरत सदमा से सब कुछ सीखा, और सदमा ने ये सिखाया जब उसने 3-4 चैनल पैनल वालों से राब्ते कर लिए, तो इन्होंने भी सीख लिया। मैं नहीं जान समझती कि साजिद साहब इससे पहले किसी से राब्ते जाब्ते में थे, अब वो इस तरह के राब्ते जाब्ते में भी हैं। तो इस तरह की सूरत हाल दोनों तरह की, क्या आप उल्टी सीधी कम्युनिटी लगाएं वक्त बेवक्त, और चाहे उसका मौजू वक्त हो या ना हो, दूसरा आप लोगों से राब्ते में रहें जबकि आप एक बड़ी यूट्यूबर के हस्बैंड हैं, तो फिर अच्छा नहीं होता। और एक बात याद रखें, चूंकि याद वही रखता है जो खालिक को अपना राज़िक मानता है, बेशक के उसने ही जितनी रोटी रोजी लिखी है उतनी ही आपको मिलेगी, उससे कम ना ज़्यादा। आप कितनी कोशिश कर लें थोड़ी कमी बेशी हो जाएगी, लेकिन फिर भी उतनी ही मिलेगी जितनी रब ने लिखी है। सितारा को किसी के चलत्तरपन से नहीं मिल रहा है, ना हस्बैंड की इस तरह की बातों से, ना रिलेटिव की इतनी इतनी सारी बातों से, ना खुद कौसर के आने से। सितारा को अल्लाह ने देना है, जब तक देना है, जितना देना है वो रब जानता है, वो रब दे रहा है।
लोग समझ रहे हैं कि इंसानों की ये चलतर बाजियां हैं, तो यही सोच के शायद साजिद साहब ये कमेटी लगाते हैं, या अल्लाह जाने क्या जो कहते हैं वो कि व्यूज कम हो जाएंगे इस तरह की बातों से। तो मुझे बड़ी एक दूसरी तरह की है हैरत और होती है कि आपकी बरादरी के हैं, और क्या ही कहूँ, आजकल तो हर बरादरियों के मर्दों के दिमाग ही चल रहे हैं सिर्फ औरत को काम चलाने के लिए। क्योंकि मैं इनकी बरादरी की इसलिए बात कर रही हूँ कि मैंने करीब से देखा है इन लोगों को, कि ये लोग की औरतें भी काम करती हैं और मर्द भी। कहते हैं लोग फेमिनिस्ट औरत के बारे में कि ये फेमिनिस्ट है, आज़ाद ख्याल है, काम करती है, ये खुद काम करना चाहती है, लेकिन ये सब बकवास है, पढ़ी लिखी औरतों पर ठप्पा लगा दिया जाता है। मगर ये जाहिल लोग भी अपनी बीवियों से हर तरह का काम करवाते हैं, घर का भी और बाहर का भी, और ये खुद एक तरफ का काम करके बस थक हार जाते हैं। सो फिर मुझे हैरत होती है जो लोग फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट का नारा करते हैं कि ये औरतें आज़ाद ख्याल हैं। किसी सूरत ये आदमी औरतों को आज़ाद नहीं छोड़ना चाहते, दबा कर रखते हैं और अपने काम निकालते हैं, चाहे उनकी औरतों की इज्जत दाव पे लग जाए। जैसा कि साजिद साहब, इनकी बीवी, इनके बच्चों को क्या क्या नहीं बोला गया और बोला जा रहा है, कंटिन्यूस बोला जा रहा है, मगर तब इनकी कोई कम्युनिटी नहीं आती है। ये किसी की ज़बान नहीं कम करवाते हैं, ये जिससे पैनल चैनल पे रबते में उनसे नहीं कहते हैं कि तुम इनको चुप करवा दो, ये चुप रहते हैं, चाहे न्यूट्रल हो जाने वाले लोग हों, चाहे हेटर्स हों, या चाहे डिसओन बड़े सपोर्टर्स हों, जो जो कहे कहता रहे उनकी बीवी को, उनके बच्चों को, कोई उनको एतराज़ नहीं है। वो सोचते हैं कि इस तरीक़े से तो लोग उनकी तरफ आएंगे, उनको देखेंगे और उनको वीज मिलेंगे और उनको डॉलर्स मिलेंगे और उनकी ज़िंदगी ऐश में कटेगी। तो इस तरह नहीं होता भाई साहब, ये दुनिया बड़ी मुख्तसर जगह है, और कल का पता ना आज का पता, एक मिनट का एक लहजे का पता नहीं है, किस वक्त क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। सो आप ये समझ के बैठ गए हैं कि इस तरह चैनल चलता है, इस तरह दुनिया चलती है, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा ठीक है मान लिया, मगर कुछ ज़्यादा नहीं, जो देना अल्लाह ने उतना ही देगा। सो बात यह है कि ये गैरतमंद तो है नहीं, गैरत छूके नहीं गुजरी है, शर्म हया क्या होती है पता ही नहीं है, सिर्फ ये उसका गिरना और बढ़ना पता है। वरना लोग जो कह रहे हैं ना कि सुलह हो गई है, हो सकता हो गई हो, हमें क्या है हो गई हो, जिन लोगों में गैरत नहीं, जिन लोगों में सिर्फ डॉलर्स की भूख है, कि एक बहन आती है सदमा और इतना गलीज इल्ज़ाम डाल देती है और फिर उसको हटाती भी नहीं है, रहती इतनी मुकद्दस जगह पर है लेकिन इतना गलीज इल्ज़ाम लगाती है, और सलाम करती हूँ उन लोगों को जो उस गलीज इल्ज़ाम को कबूल कर लेते हैं, नहीं सोचते कि एक औरत इतने साल साल बाद वहाँ पहुँची, एक छोटे से घर में जिसमें बच्चे खचा खच हैं, बड़े भी खचा खच भरे हुए हैं, और उस वहाँ पर इतना बड़ा टैग जी का लग जाता है। अरे तुम लोग की अकलों को सलाम है, अपनी अकलों को पर मातम करो, ऐसी बेअकली से बेहतर है कि अपने अकल के भूसे को आग लगा दो। खैर बहरहाल ये दुनिया तो इसी तरह कम अकलों से भी चल रही है और चलती रहेगी। तो एक औरत आती है और इतना गलीज इल्ज़ाम लगाती है अपनी बहन पर इसलिए कि उसका चैनल चले, लेकिन उसका चैनल नहीं चलता है मगर वो लगी हुई है, क्योंकि अगर उसने कबूल लिया कि मैं तो बहतान लाई थी, मैंने तो गलत किया था, मैं तो झूठ बोल रही थी, तो लोग उस पर मज़ीद लानतें भेज कर चले जाएंगे। अब उसको और अपने चैनल को ग्रो करना है ना, वो तो कहती है कि भाई मेरे मुझे गोल्डन बटन दिला दो, मुझे मिलियन करा दो, उसके बच्चे बोलते हैं ठीक है ना, तो भाई वो तो और भूख उसकी तो बढ़ रही है, उसकी मैं तो ख़त्म होने वाली नहीं है, तो लिहाजा वो तो लगी रहेगी, उसका लगना है, उसको अल्लाह मियाँ उस हद तक पहुँचा के रहेगा कि उसके पास वापसी का कोई रास्ता ही नहीं होगा।
सो उस सदमा ने, उस बेगैरत बहन ने अपनी बहन को गंदा किया। तो फिर हस्बैंड तो हस्बैंड होता है, जब सगी बहन खून का रिश्ता ये गंद मचा दे तो हस्बैंड वो भी बटा हुआ, उसको क्या है, उसको क्या सितारा की इज्जत, अपने बच्चों की इज्जत, उसको तो पैसा चाहिए, मनी चाहिए। आज भी सितारा के प्रैंक में वो गाड़ी के लिए इतना परेशान साजिद कि मैं हैरान हो रही हूँ। गाड़ी तो सितारा की थी, सितारा की है या थी बताइएगा ज़रूर। और सितारा ने अपनी पसंद की खरीदी थी ब्लैक कार, और इसी कार को साजिद कह रहा था मैं बेच के छोटी गाड़ी लूँगा, और इसी गाड़ी को लेके वो रोज़ाना अपने घर चला जाता है खोसर के पास। वो कभी भी उस गाड़ी को नहीं छोड़ता है, वो वाइट गाड़ी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, क्यों पूछने का वाला सवाल है। और इधर सितारा है जो, हाँ मैं आपसे कहना कहते कहते कह रही थी किसी वक्त और बात करूँगी, तो चलते चलते कह ही डालती हूँ कि सितारा मुझे साजिद के कंट्रोल में दिखती है, क्योंकि जो औरत अपनी गाड़ी को मनवा कर अपने घर में न रख सके, जो ये ना कह सके जाओ मियाँ तुम्हारी एक बीवी है एक बच्चा है बाइक उठाओ और जाओ, या फिर अपनी गाड़ी खरीदो, इतना पैसा तो कमा लिया है तुमने, या फिर तुम मेरी वाइट गाड़ी ले जाओ, मेरी ब्लैक पसंदीदा गाड़ी है, इसको ना ले जाओ। वो नहीं कह सकती ये बात, मगर वो करती है इतना बड़ा प्रैंक इस बात के लिए कि उस गाड़ी को कवर किया जाए। वो गाड़ी का नहीं कवर हो रही है तो बारिश में और धूप में बर्बाद हो रही है। इतनी महंगी गाड़ी जो इस आदमी ने कभी देखी ना होगी, क्या है कितने लाखों लोग ऐसी गाड़ियों को तरस रहे होंगे। इस आदमी को अल्लाह ने सितारा के तवस्सुस से दे दिए तो उसकी कदर नहीं है, मगर ऐसे घूम रहा था वो आदमी जैसे उसकी माल मता गायब हो गया हो। सोचिएगा ज़रूर दोस्तों, ये सब एक गोरख धंधा है, और ये लोग दुनिया के समझते हैं कि दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, दुनिया इसी तरह होगी, दुनिया में लोग ऐसे ही कमाते रहेंगे, ऐसे ही पालते पोसते रहेंगे अपने बच्चों को, ऐसे ही अपनी दुकानें चमकाते रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोचता कोई कुछ है, होता कोई कुछ है। तो भाई सिंपल सी बात है, तमाम बातों की एक बात, सितारा की कोई नहीं चलती है, साजिद अपनी मर्जी से कम्युनिटी लगा देता है, सितारा अपनी गाड़ी तक पर कवर चढ़ाने के लिए साजिद से प्रैंक करना पड़ता है, उसकी बीवी की सेवा करनी पड़ती है, और भाई उसके बाप की भी सेवा करनी पड़ती है, और फिर कई रिश्तेदारों की सेवा करनी पड़ती है, उसको सर झुकाना पड़ता है उस बरादरी के आगे जो बहुत चालू टाइप की है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, बीमार हो रहा हूँ, गलत लफ्ज़ निकल गया हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन बहरहाल जो नज़र आ रहा है वही कह रही हूँ, पूरे ख़ानदान का यही हाल नज़र आ रहा है। और अफसोस होता है कि पाकिस्तान का नाम भी बदनाम कर रहे हैं और मज़हब का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि लोग हमारी किताब बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें देखेंगे, और हमें इस तरह देखेंगे तो हम पे एक छाटा मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे और निकल लेंगे, भाई हमसे तो हम तुमसे तो हम ही अच्छे हैं। वो यही कहेंगे ना कि तुमने क्या माना अपने अल्लाह का हुक्म, अपने रसूल का हुक्म, जब तुम ही नहीं मानते तो हम क्यों मान लें। तो इसीलिए ऐसे लोगों की बातों में असर कम होता जा रहा है। यही तमाम वजूहात हैं कि लोग किसी कदमों पर एतबार करना भूल चुके हैं। सच पूछें तो कुछ महीने पहले मैं समझती थी जो अल्लाह का नाम लेता है वो कहीं ना कहीं सही होता होगा, लेकिन यकीन जाने कि मेरा भी एक कुछ रकमों के तनाज़े में ऐसा वास्ता पड़ चुका है कि कसमें खाई जा रही हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कसम झूठ, कसम झूठ, अल्लाह का नाम, रसूल का नाम, हम अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, नेकी के दर्स, लेकिन हकीकत उल्टी, बिल्कुल उलट, बिल्कुल। किसी को थोड़ी देर के लिए तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मगर जो इनको भुगत रहा होगा
वो ही जानता होगा। इजाज़त दीजिए दोस्तों, तो हमें